जी नमस्कार, मैं हूँ राज पटेल और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विद नीतीश राज सिंह। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे और अपना ख्याल रखते होंगे और पढ़ाई को कंटिन्यू रखे होंगे। हौसला बनाए रखिए, सफलता एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो हम आज ज्योग्राफी का 7वां क्लास बता रहे हैं, लेक्चर 7 है और पढ़ेंगे नदियाँ। नदियाँ क्या है? नदियाँ जो है भारत के हिसाब से अगर बोला जाए तो नदियाँ को दो भागों में विभाजित किया गया। एक प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं, दूसरा है हिमालय की नदियाँ। ठीक है, अब हिमालय की नदियाँ को भी दो भागों में विभाजित किया गया। पहला है सिंधु, सॉरी तीन भागों में विभाजित किया गया। एक है सिंधु नदी घाटी तंत्र, नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अगर इसमें एक फैक्ट की बात किया जाए तो हिमालय पर प्रवाहित होने वाली तीन ऐसी नदियां हैं जो हिमालय के उत्थान से पूर्व, मतलब कि हिमालय से भी पहले पूर्व उस स्थान पर प्रवाहित होती थी। हिमालय से भी पहले ऐसी नदियां को पूर्व नदियां कहा जाता है। ये तीनों नदियां हिमालय के उत्थान से भी पहले थे। कौन कौन थे? देखिए, सिंधु नदी थी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। अच्छा, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती थी। पहले कहाँ से निकलती थी? तिब्बत के मानसरोवर झील से, और थेथिस सागर में गिरती थी। ठीक है, तो देखिए थेथिस सागर के बारे में जानते हैं, नोट करके। आज जिस स्थान पर हिमालय पर्वत है उस स्थान पर पहले थेथिस सागर हुआ करते थे। पहले थेथिस सागर का विस्तार था। थेथिस सागर को ही भूसन्नति भी कहा जाता है। तो इसमें नॉर्मली जो था हम आपको बताएं, आगे करी में बताते जा रहे हैं, आप इसको नोट करिए, तब तक हम तब तक इसको रिमूव करते हैं। तो फिर देखिए कुछ इंपॉर्टेंस फैक्ट इसमें है तो उसको भी हम बताते हैं। हालांकि हम जितना भी नदी लिखा रहे हैं, सिंधु नदी, सतलज नदी, जितने नदी के बारे में बता रहे हैं उसको पूरा डिटेल से बताएंगे। जो इम्पोर्टेंस फैक्ट पहले आ रहा है उसको हम बता रहे हैं, उसके बाद सीरियल वाइज से एक एक नदी के बारे में बहुत विस्तार से बताएंगे। ठीक है, आप बने रहिए। सिंधु गॉर्ज, अब सिंधु गॉर्ज जो है कहाँ से निकलती है? JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर के गिलगिट के समीप सिंधु नदी पर है। ठीक है, आप सिपकिला गॉर्ज कहाँ से निकलती है? एग्जाम में बहुत पूछता है ये सब, हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर है। ठीक है, और देखिए दिहांग गॉर्ज कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है, अब ये सब नदी अंतर्राष्ट्रीय भी है। देखिए सिंधु नदी भारत और पाकिस्तान में है, सतलज नदी भारत पाकिस्तान में है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत बांग्लादेश में है। ठीक है, इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय भी बोलते हैं क्योंकि अलग देश में भी इसका विस्तार है। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र की मुख्य नदी सिंधु नदी ही है। सिंधु नदी की मुख्य तंत्र सिंधु नदी ही है। सिंधु नदी के बाईं ओर से, यानी बाईं ओर से जो सहायक नदी मिलती है उनका नाम क्या है? झेलम है, चिनाव है, रावी है, सतलज है, ब्यास है। ठीक है, सॉरी, इसमें आपको याद रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा कि सिंधु नदी के बाईं ओर से सहायक नदी कौन कौन मिलती है? झेलम, चिनाव, रावी, सतलज, ब्यास। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र में दो नदियां तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलने वाली नदियां, सिंधु नदी के दो तंत्र जो है मानसरोवर से जो निकलती है उसका नाम है सिंधु नदी और सतलज नदी। ठीक है, देखिए सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी, सिंधु नदी की जो बाईं तरफ से जो सहायक नदी जो मिलती है झेलम, वो जम्मू और कश्मीर राज से निकलती है, जम्मू एंड कश्मीर राज से निकलती है। सिंधु नदी तंत्र की और जो शेष बची हुई नदियां हैं वो हिमाचल प्रदेश से निकलती है। HP माने हिमाचल प्रदेश। कौन कौन है? चेनाब है, ब्यास है, ये सब। ठीक है, तो अब आगे इसमें इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आपको आगे बताएंगे कि और भी कौन कौन नदियां हैं, इसको आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है,
तो उम्मीद करते हैं कि आप ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। तो देखिए, आपको उतार लिए होंगे। अब देखते हैं आगे, नदी के आगे बढ़ाते हैं, सिंधु नदी। ये सभी नदियां जितना था जो पिछले बैक में देखे होंगे, सम्मिलित रूप से अपना जल पाकिस्तान के मिठानकोट, पठानकोट मत समझ लीजिएगा, मिठानकोट में सिंधु नदी की बाईं तटों पर अपना जल गिराती है, जो बताए थे इसका सहायक नदी वो। अब देखिए, धीरे धीरे करके हम सब नदी के जो उद्गम स्थल उसके बारे में बताते हैं। सतलज नदी पहले आई। सतलज नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर के झील के समीप राक्षताल या राक्षसताल भी कहते हैं, वहां से निकलती है। ठीक है, झेलम ये जम्मू एंड कश्मीर में बेरी नाक के समीप शेषनाग झील से निकलती है। बेरी नाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है। अब ये चेनाब, चेनाब जो है, चेनाब नदी एचपी यानी हिमाचल प्रदेश में बारालाचाला दर्रे के समीप से निकलती है। ठीक है, रावी और ब्यास संयुक्त रूप से देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप से इनमें से निकलती है। ठीक है, इनमें से ब्यास नदी जो है सतलज नदी का सहायक नदी है। ब्यास नदी किसका है? सतलज नदी का सहायक नदी। ब्यास नदी सिंधु नदी की एकमात्र सहायक नदी है। ब्यास नदी सिंधु नदी की एकमात्र सहायक नदी है जो पाकिस्तान में नहीं बहती और सब पाकिस्तान में भी बहती है। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे से पंजाब में कपूरथला, ठीक है, डिब्बा भी बनता है, रेलवे के डिब्बा भी यहाँ बनता है, कुछ डिब्बा के निकट हरी के नामक स्थान पर सतलज नदी से मिल जाती है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखिए, सिंधु नदी, सिंधु नदी ब्रह्मपुत्र नदी के बाद द्वितीय सबसे लंबी नदी भारत की है। ठीक है, अब देखिए कुछ नदियां हैं जिसका लंबाई के बारे में बात करते हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी, इसका 2900 किलोमीटर है, जो लंबी नदी है, बहुत लंबी है, सबसे लंबी। सिंधु नदी ये 2880 किलोमीटर, 80 है लिखा हुआ है, 2880 किलोमीटर। गंगा नदी 2525 किलोमीटर, ठीक है, यानी 2525 किलोमीटर। सतलज नदी की बात करिए तो इसका है 1500 किलोमीटर। गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर। ये परीक्षा में पूछता है कि सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। यमुना नदी ये 1385 किलोमीटर, कितना है 1385 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सिंधु नदी के जो फैक्ट है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ही बताते हैं। ठीक है, हम बहुत सारा राइटर के बुक पढ़ के जो इम्पोर्टेंस फैक्ट है उसके बारे में ही हम चर्चा करते हैं। ठीक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो देखिए सिंधु नदी जम्मू एंड कश्मीर राज्य के लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य होते हैं, हुए मध्य होते हुए पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक है, आप देखिए लेह सिंधु नदी के तट पर लद्दाख और जास्कर के मध्य बसा हुआ है। लेह कहाँ बसा हुआ है? सिंधु नदी के तट पर लद्दाख और जास्कर के मध्य बसा हुआ है। ठीक है, कभी कभी पूछता है परीक्षा में कि लेह कहाँ बसा हुआ है, तो ऑप्शन दे देगा लद्दाख और जास्कर, फिर दे देगा क्या कहते हैं मध्य प्रदेश, या कुछ भी कोई ऑप्शन दे देगा जो आपका सही क्या कहते हैं, जो ऑप्शन होगा वो लद्दाख और जास्कर के मध्य। ठीक है, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक फिर हम आगे बढ़ाते हैं। ले लिए होंगे। तो देखिए बता रहे हैं कि सिंधु नदी का जो कुछ और पॉइंट बचा है उसको हम बताते हैं। सिंधु नदी से दाहिने तट पर मिलने वाली, वो तो बाएं तरफ थी,
दाहिने तट पर कुछ अन्य सहायक नदी मिलती है जिसको हम सियोक बोलते हैं, तालाब सो है ये सियोक, काबुल, कुर्रम, गोमद ये है। ठीक है, अब देखिए सिंधु नदी जल समझौता हुआ था 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ठीक है, इसमें क्या कहा गया कि जो सिंधु नदी का जो सिंधु तंत्र के तीन नदियां जो है सिंधु, चेनाब और झेलम के जल 80% जल जो है पाकिस्तान यूज करेगा नहीं प्रयोग करेगा और शेष 20% भारत प्रयोग करेगा। वहीं पूर्वी तंत्र पूर्वी घाट की बात किया जाए तो तीन नदी है, सिंधु नदी तंत्र के पूर्वी घाट की बात किया जाए तो तीन नदी है जैसे ब्यास, रावी और सतलज, इनके जल जो है 80% भारत प्रयोग करेंगे और इसके जो शेष बचे हुए हैं 20% इसका प्रयोग पाकिस्तान करेगा। कौन करेगा? पाकिस्तान प्रयोग करेगा। तो इस समझ गए होंगे, बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह छोटा छोटा वीडियो में ही आपको बताते हैं क्योंकि बड़ा वीडियो हो जाता है तो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, कितना नहीं देख पाता है। ठीक है, तो अच्छा लगा होगा, उम्मीद करते हैं आप कंटिन्यू बने रहिए हमारे चैनल के साथ और हमको मोटिवेट करते रहिए कि सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, यही आपका मोटिवेट करना हुआ। तब तक आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।